हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रीड कर रहे थे मुल्ला नसीरुद्दीन। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आज हम कहानी 2 ये रीड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है, एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे। ठीक है, क्या होता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत में मचान पर बैठे हुए। मचान का मतलब क्या होता है, ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पर मुल्ला बैठे हुए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं मचान। खेत में हरी हरी फसल लहलहा रही थी, चारों ओर फसल हरी हरी फसल लहलहा रही थी, पक्षी चहक रहे थे। तभी एक बैल बाड़ तोड़कर खेत में घुस आया। तब क्या होता है कि एक बैल जी वाला बाड़ तोड़कर खेत में आ जाता है। खेत में किसी जानवर के घुसने की आवाज़ मुल्ला के कानों में पड़ी। जब उन्हें पता चला कि खेत में एक जानवर घुस आया है, मुल्ला ने गर्दन ऊंची करके आवाज़ की दिशा में देखा। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची करके जिस तरफ से बैल की आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखा, तो एक बैल खेत की खड़ी फसल बर्बाद कर रहा था। तो क्या देखते हैं कि एक बैल है जो खेत में पूरी फसल लहलहा रही है, उसे खाए जा रहा है, उसे बर्बाद करे जा रहा है। बाड़ के बाहर रास्ते पर उस बैल का मालिक आराम से खड़ा था। और क्या देखते हैं कि जिसका वह बैल होता है, वह आदमी दूर खड़ा आराम से ये सब कुछ देख रहा होता है। आगे है, मुल्ला ने बैल के मालिक को पुकारते हुए कहा, आपका यह बैल मेरी खड़ी फसल बर्बाद कर रहा है। अब उन्होंने बैल के मालिक को कहा कि आपका ये बैल है मेरी पूरी फसल बर्बाद करे जा रहा है, आप इसे रोकिए, आप जल्दी से उसे रोकिए, उसे खेत से बाहर निकालिए और मेरा नुकसान होने से बचाइए। वह अब उस इंसान से कहते हैं कि कृपा करके तुम अपने बैल को मेरे खेत से बाहर निकालो और मेरी फसल को बचाओ। बैल का मालिक बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला जी। अब वे कहने लगा कि इसमें मैं क्या करूँ, अगर बैल आपके खेत में गया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बैल अभी आपके खेत में है, बैल आपके खेत में काम करे या नुकसान करे, यह आपके और बैल के बीच का निजी मामला है। किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दूं। अब वह इंसान कहता है कि मेरा बैल है लेकिन अब वह आपके खेत में है और आपके खेत में मेरा बैल चाहे आपका काम करे चाहे आपका नुकसान करे, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जे आपका और आपके खेत का और मेरा बैल जो आपके खेत में है, इन दोनों का निजी मामला है और मैं किसी के निजी मामले में दखल नहीं देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आज हम रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।